हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप दोनों गाड़ी को देख के समझ ही गए होंगे, हम इन दोनों कंपेयर करने वाले हैं। एक है हमारे पास 2022 मॉडल इनोवा क्रिस्टा, और जो अभी नई लॉन्च हुई है 2023 इनोवा क्रिस्टा। इसे कंपेयर करते हैं, देखते हैं टोयोटा ने क्या क्या चेंजेस दिए हैं इनोवा के अंदर। आइए इन दोनों का हम रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले बताते हैं इस गाड़ी के बारे में, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं फ्रंट से। यहाँ पे देख लीजिए हमारी हेडलाइट, इसमें हमारे प्रोजेक्टर आते हैं और ये हाई बीम नॉर्मल बल्ब आता है, और ये हमारी वाइट एलईडी आती है। और इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमारे टर्न इंडिकेटर और फॉग लैंप आ जाते हैं। कुछ प्लेसमेंट देख लीजिए, कुछ इस तरीके से लगता है आगे से। और दोस्तों बात करें, ये हमारी नई ग्रिल जैसी आई है इस टाइम। ये हमारा क्रोम प्लेसमेंट है यहाँ पे पूरी ग्रिल पे, और हमारी मैट ब्लैक कलर की ग्रिल है। देख लीजिए यहाँ पे हमारा टोयोटा का क्रोम में लोगो। और बात करें नीचे, यहाँ पे हमारी क्रिस्टा की बैजिंग आ जाती है, देख लीजिए यहाँ पे। और ये ब्लैक कलर में आता है, डुअल टोन बम्पर है देखो पूरा। और सेम ऐसा इस तरफ हेडलाइट और फॉग लैंप का सेटअप आता है। ये 2023 इनोवा क्रिस्टा है। और दोस्त तो बात करें अपने 2022 मॉडल की, तो देखो ग्रिल में फ़र्क है। इसकी कुछ इस टाइप से ग्रिल आती है, और ये इसमें मैट ब्लैक में नहीं आता, नॉर्मल कलर आता ग्लॉसी में। और यहाँ पे इसकी क्रोम की प्लेसमेंट भी चेंज है, देख लीजिए। देखो इसमें यहाँ पे अलग तरीके से दे रखी है ग्रिल की प्लेसमेंट, और इसमें अलग तरीके से दे रखी है। और बात करें इसके हेडलाइट की, तो हेडलाइट बिल्कुल सेम आती हैं। उसमें यहाँ पे प्रोजेक्टर है जो वाइट आता है, नॉर्मल बल्ब आते हैं देख लीजिए। और उसमें टर्न इंडिकेटर यहाँ पे दे रखे हैं, और फॉग लैंप की भी प्लेसमेंट चेंज है, देखो यहाँ पे आते हैं। और इस गाड़ी के अंदर फॉग लैंप और टर्न इंडिकेटर एक साथ दे रखे हैं। तो एक तो मेजर जो चेंज है फ्रंट से वो यही है। देखो यहाँ भी कोई क्रिस्टा वगैरह की बैजिंग नहीं आती, नॉर्मल बम्पर आता है। और यहाँ पे हमारा नॉर्मल वाइट, जैसे इसमें यहाँ पे हमारी क्रिस्टा की बैजिंग वगैरह आ जाती है, डुअल टोन बम्पर हो जाता है। तो दोस्तों फ्रंट से तो हमारा मेजर यही चेंज आता है, और कोई चेंजेस नहीं आते। और बात करें इस गाड़ी के साइड की, दोस्तों देख लीजिए हमारी गाड़ी साइड से, दोनों ही गाड़ियां साइड से सेम है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है। जैसे वो आरवीएम वगैरह देख लीजिए ऐसे आते हैं इसके अंदर क्रोम में, और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर, और ये हमारे क्रोम डोल हैंडल, क्योंकि ये टॉप मॉडल है, ऐसे ही सेम इसमें भी आते हैं देख लीजिए आप। और क्रोम की सारी बिटिंग वगैरह सब आ जाती हैं। और बात करें इसके अलॉय व्हील की, डायमंड कट अलॉय व्हील आते हैं देख लीजिए, ब्रिजस्टोन का ही इसके अंदर टायर आता है। इसकी बैजिंग ये रही यहाँ पे, देख पा रहे होंगे आप। और दोस्तों इसके अंदर जो हमारा अलॉय व्हील आता है वो 17 इंच का आता है, और दोनों ही गाड़ियों में सेम आता है। आगे डिस्क ब्रेक, और पीछे हमारा ड्रम ब्रेक्स ये रही। तो इसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। ये फुटरेस्ट जो है वो ये हमारा कंपनी से हमने एस सीरीज़ में लगवाया हुआ है। और दोस्तों बात करें हमारा इस वाली 2022 मॉडल की साइड की, तो देख लीजिए ऐसी इस तरह इसमें हमारे क्रोम में ORVM आ जाते हैं, टर्न इंडिकेटर, क्रोम डोर हैंडल सेम बिल्कुल ऐसी ही हमारी क्लैडिंग सेम फुटरेस्ट। ये आफ्टर मार्केट नहीं है, कंपनी से एसरीज़ में लिया हुआ है। और देखिए ब्रिजस्टोन की टायर, और इसकी डायमेंशन देखिए 17 इंच ऐसी। इसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक आ जाते हैं, और दोस्तों रियर में हमारे ड्रम ब्रेक आ जाते हैं ये। मतलब साइड से दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल सेम है, आपको लग भी रही होंगी। और दोस्तों बात करें इसकी रूफ की, तो रूफ में भी हमारा कोई चेंज नहीं है, कोई दोनों में किसी में भी सनरूफ नहीं आती, सेम ही आती हैं गाड़ियाँ दोनों ही रूफ से। और दोस्तों आइए हम इसमें बैक प्रोफाइल में चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा नॉर्मल लाइट बल्ब है, कोई एलईडी नहीं आती। और इसमें यहाँ पे हमारी जेड की बैजिंग और 2.4 लीटर की बैजिंग आती है। और ऐसी इस तरफ देखिए हमारे क्रोम में टोयोटा का लोगो, यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग, रियर डिफोगर, वाइपर वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं। और ये हमारा गार्ड, हमारा टोयोटा जेन्युइन एस सीरीज़ का पार्ट है। और दोस्तों ऐसी इस वाली इनोवा में भी कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम आती है, देख पा रहे होंगे कोई डिफरेंस नहीं लग रहा होगा आपको।
दोनों के अंदर। ऐसी सेम हमारी लाइट है, ऐसी हमारी इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग वगैरह सब कुछ सेम है। कैमरे की भी प्लेसमेंट कोई चेंज नहीं है, ये रहा। और ऐसी इसमें भी यहाँ पे कैमरा देख लीजिए। दोस्तों बात कर लेते हैं अब हम अपनी इस गाड़ी के डायमेंशंस की। दोस्तों इस गाड़ी की जो लेंथ है वो 4735 mm की है। दोनों ही गाड़ी की सेम डायमेंशंस हैं, बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं है। और व्हील बेस भी हमारा बिल्कुल सेम है। और दोस्तों जो हमारी दोनों इनोवा की विड्थ है वो है 1830 mm की, और जो हाइट हो जाती है वो आती है 1795 mm की, देख लीजिए आप। तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको दोनों ही गाड़ी का इंटीरियर और क्या डिफरेंस है वो भी देखते हैं। दोस्तों ये हमारी 2023 मॉडल इनोवा क्रिस्टा का इंटीरियर देख लीजिए। हमारा ऑल ब्लैक इंटीरियर है, यहाँ पे देखो सब कुछ ब्लैक है, फैब्रिक ये ब्लैक है। हमारा टॉप मॉडल मैनुअल का ऑटोमेटिक नहीं आती, ये चेंज आया है दोनों इनोवा क्रिस्टा में। 2022 में ऑटोमेटिक भी आती थी, अब नहीं आती, अब सिर्फ मैनुअल में आती है। ये देख लीजिए हमारा ब्लैक इंटीरियर, दिखाते हैं आपको अंदर से पूरी गाड़ी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी इनोवा क्रिस्टा के अंदर। ये वाला हमारा 2023 मॉडल है, इसके अंदर देख लीजिए हमारी वुडन फिनिश। यहाँ पे भी हमारा इंटीरियर ये ब्लैक कलर का डुअल टोन इंटीरियर हो गया हमारा ये। और यहाँ पे हमारे देख लीजिए स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम काफ़ी अच्छा सेम है दोनों गाड़ियों में, कोई चेंज नहीं है। एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो सब आता है इसके अंदर। हमारा क्लाइमेट कंट्रोल एसी, और यहाँ पे देख लीजिए हमारे इको मोड पावर मोड के कंट्रोल्स। और दोस्तों हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन है, और यहाँ पे हमारा आता है कूल ग्लो बॉक्स, और इस तरफ आता है हमारा नॉर्मल ग्लो बॉक्स। और हमारा ये सारी जो लेदर है सब ब्लैक में है। यहाँ पे देख लीजिए इस पर भी क्रिस्टा की बैजिंग दे रखी है, काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। और दोस्तों देख लीजिए हमारा वैनिटी मिरर, यहाँ पे भी हमारे रीडिंग लैम्प, और ऐसे भी इस तरफ हमारा वैनिटी मिरर आ जाता है। हमारा नॉर्मल मिरर आता है, इसमें ऑटो डिमिंग नहीं आता। और ये हमारा सन ग्लास होल्डर है, देख लीजिए। इंटीरियर में तो दोस्तों कोई भी चेंज नहीं है। हमारे इसमें भी 7 एयरबैग आते हैं गाड़ी के अंदर, जो 7th एयरबैग वो एक नी का ऐड है जो टोयोटा देता ही है बेस मॉडल से। और दोस्तों इस तरफ देख लीजिए फ्रंट पार्किंग सेंसर के कंट्रोल्स हैं, और ये हमारे डिफ्यूज़र को क्लीन करने का बटन है, उससे अगर वो क्लीन नहीं होगा तो हम यहाँ से बटन दबा क्लीन कर सकते हैं। और बात करें स्टीयरिंग व्हील की, इस पर हमारा टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस आते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हमारे म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल्स आ जाते हैं, ये हमारे MID के कंट्रोल्स आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, देख लीजिए सारी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, देख लीजिए सारी चेंजेस सब चीज़ आ जाती हैं इसी पे ही। और यहाँ पे हमारा क्रूज़ कंट्रोल आता है इसके अंदर। और दोस्तों हमारा 5-speed डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे एक हमारा बोतल होल्डर, ये हमारा ग्लो बॉक्स कुछ भी सामान वामान रखने के लिए आर्मरेस्ट के ऊपर। और दोस्तों हमारे कप होल्डर आते हैं दोनों ही तरफ। आइए पीछे चलते हैं, वहाँ पर दिखाता हूँ गाड़ी। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने रियर सीट में पीछे की तरफ। यहाँ पे हमारी ट्रे वगैरह आ जाती हैं इनोवा में जैसे आती हैं, और काफ़ी अच्छा ये हमारा फीचर है। इस पर हमारा वेट वगैरह जो टांग सकते हैं वो 10 किलो का टांग सकते हैं। और यहाँ पे हमारे 2 कप होल्डर आ जाते हैं पीछे। यहाँ पे हमारे AC वेंट, एम्बिएंट लाइटिंग सब चीज़ आ जाती है, रीडिंग लैंप भी आ जाते हैं, ये हुक टांगने का, हाथ पकड़ने का ग्रैब हैंडल। और इस तरफ देख लीजिए फैब्रिक में आता है ब्लैक इंटीरियर, यहाँ पे वुडन फिनिश आ जाती है। इस तरह हमारे विंडो कंट्रोल आ जाएंगे, ये हमारा बोतल होल्डर और कुछ भी सामान रखने की स्पेस। और दोस्तों ये हमारा कैप्टन सीट वाला मॉडल है, 7-सीटर मॉडल। और दोस्तों बात करें इस गाड़ी की डिग्गी, देख लीजिए कितनी काफ़ी बड़ी है। अगर हम सीटों को खोल भी लेते हैं तब भी काफ़ी स्पेस होती है पीछे सामान रखने के लिए। ये हमारी प्रॉपर 7-सीटर कार है। और यहाँ से देख लीजिए हमारे डैशबोर्ड की लुक। तो आइए दोस्तों एक बार इस गाड़ी का बूट आपको चेक कराते हैं, और फिर दूसरी गाड़ी को हम कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम अपना बूट को ओपन करेंगे डिग्गी को, तो देख लीजिए कितना काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। और ये हमारा जो उसका हेडरेस्ट रखने की जगह है जो तीसरा, इसमें आदमी आराम से बैठ जाए। और हमारे यहाँ पे लाइट दे रखी है, देख लीजिए रात को अगर कुछ भी हमें सामान उतारना है तो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हमें इसको डिग्गी को बंद करना है तो हम यहाँ से इसे बंद भी कर सकते हैं। और दोस्तों जो हमारी गाड़ी है इसका ये पहले आपको बूट ही दिखा देता हूँ।
इसकी मैंने सीट खोल रखी है कि आपको आइडिया हो जाए कि कितनी बूट स्पेस आती है, देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से हमारी सारी गाड़ी, सारी सीटें खुल जाती हैं गाड़ी की, तो इतनी स्पेस बचती है। और जो हमारा हेडरेस्ट है वो यहाँ पे लग जाएगा। इसको हमें कुछ इस तरीके से देख लीजिए आप, काफ़ी सही फीचर देती है टोयोटा, गाड़ी को प्रैक्टिकल बनाती है। और अगर हमें इसको रखना भी है दोस्तों, बहुत ही आराम से ये हमारा यहाँ अंदर चला जाता है, देख लीजिए, काफ़ी आराम से आ जाएगा। और ये ऐसी इस तरफ भी हमारा लाइट आता है रात को खोलने के लिए, इसको भी बड़े आराम से यहीं से बंद कर देंगे। तो दोस्तों दिखाता हूँ आपको इस गाड़ी का इंटीरियर। 2022 में दोस्तों ऑल ब्लैक इंटीरियर नहीं आता था, ये हमारा रेड टाइप जो आता है कलर, ब्राउन, डार्क ब्राउन, यहाँ पर ये फैब्रिक में दे रखा है, देख लीजिए आप। नॉर्मल हमारे विंडो कंट्रोल्स वगैरह आते हैं, देख लो यहाँ पे ऑटो अप एंड डाउन है सारी ही विंडो, लॉक अनलॉक के बटन हैं, साइड मिरर को कंट्रोल करने के ऑप्शन हैं। तो ये दोस्तों अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ आपको इस गाड़ी का इंटीरियर। दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी 2022 वाली इनोवा के अंदर। यहाँ देख लीजिए हमारे इंटीरियर तो बिल्कुल सेम ही लग रहा है, जो जैसा मैंने आपको बताया था उसके अंदर, इसमें कोई भी चेंज नहीं लग रहा कोई भी। इसमें हमारे सीट कवर्स में चेंज है, वो ब्लैक कलर के थे, ये अलग डिफरेंट कलर के हैं, पर देखो जैसे इनोवा की बैजिंग वगैरह सब चीज़ में दे रखी है, और सेम उसी तरीके की। और दोस्तों जो इस गाड़ी के अंदर मेजर चेंज है, वो भी हमारा टॉप मॉडल है और ये भी हमारा टॉप मॉडल है, पर ये हमारा ऑटोमेटिक वो आता है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर, उसमें ऑटोमेटिक आना बंद हो गया है। एक हमारा मेजर चेंज आया, देखिए ग्लोबॉक्स वगैरह बिल्कुल सब चीज़ सेम है, जैसे यहाँ पे भी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब चीज़ दे रखी है, नॉर्मल चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे ऐसी ये रखा, फोल्डर वगैरह, MID स्क्रीन वगैरह सब चीज़ बिल्कुल हमारी सेम आती हैं दोनों ही गाड़ी के अंदर। वैनिटी मिरर वगैरह देख लीजिए, सब चीज़ बिल्कुल डिटो सेम है, कोई कुछ भी चेंज नहीं है। तो इंटीरियर से तो हमारी गाड़ी दोस्तों बिल्कुल ही सेम है, कोई एज सच मेजर कोई भी चेंजेस नहीं है। पीछे भी दिखाता हूँ आपको, ऐसी देखो यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर कंट्रोल वगैरह सब चीज़ें सेम आ रही हैं। असली जो मेजर चेंज है वो है इंजन ऑप्शंस में, क्योंकि ये ऑटोमेटिक का टॉप मॉडल है, उसमें ऑटोमेटिक आना बंद कर दिया हमने, अब सिर्फ मैनुअल के अंदर आती है। तो ये दोस्तों पीछे दिखाता हूँ गाड़ी। तो दोस्तों हम आ गए इनोवा में, पीछे ऐसी सेम देखो 10 किलो की ट्रे यहाँ पे भी है, यहाँ से हम अपनी आगे वाली सीट को एडजस्ट भी कर सकते हैं बहुत ही आराम से, प्रॉपर शोफन ड्रिवन कार है। और दोस्तों ऐसी हमारी कैप्टन सीट है 7 सीटर, उसी का ये ऑप्शन है, 8 सीटर भी आता है इसके अंदर। और यहाँ पे देख लीजिए हमारे कप होल्डर, और दोस्तों ऐसी सेम यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट से लेके 120 वोल्ट तक का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे हमारी एक USB जिससे हमारा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो चलता है। और यहाँ पे ऊपर देख लीजिए हमारे सेम AC वेंट, एम्बिएंट लाइटिंग, सब चीज़ बिल्कुल सेम है। तो आइए दोस्तों बाहर चलते हैं और बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की। तो दोस्तों जी हमारे 2022 इनोवा क्रिस्टा, इसके अंदर 2.4 लीटर का डीजल इंजन आता है, और जो कि हमारा ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही ट्रांसमिशन के अंदर आता है। और जो हमारी 2023 इनोवा क्रिस्टा है, ये आती है 2.4 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर, दोनों ही गाड़ी डीजल के अंदर हैं ये। और पेट्रोल लेनी है तो हमें हाई क्रॉस लेनी पड़ती है ऑटोमेटिक के में जाने के लिए। और दोस्तों जो हमारी पावर प्रोड्यूस करती है वो 147 BHP करती है, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है वो 343 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये थी इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल है गाड़ी खोजो के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियो नए कंटेंट के साथ।